हाथ डालकर, इसमें हाथ डालकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी फोन वोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो सर आपका कुछ बताएंगे अपने बारे में, एक पूरी यात्रा जो है कैसा कंडक्ट हो रही है, कैसे आप पूरी यात्रा भगवान श्री नाम के चरणों में समर्पित। हमारी संगठन की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण गया था अगले जी को, लेकिन जिसके नसीब में वो जाएगा यही कहना चाहेंगे। तो आपने सुना देखो इतने बीच में भी यहाँ पर पूरे दर्शन हो रहे हैं और काफी एंट्री शुरू कर दी है, बट ये देखिए पीछे पीछे का एरिया पूरा खाली है, क्योंकि तो ये भाई ये देख ना, जय सिया राम राम नाम जपदा दूर दूर तक भाई बैठी नजारे। अयोध्या के एक साल के अंदर इतना चेंज, इतना बदलाव, कैन यू बिलीव इट। ये देखो नजारे, ये है पूरे अयोध्या के। ये जो जितनी भी बसें हैं ना, ये जा रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी कि भाजपा के द्वारा ये सारी बसें। हेलो दीवी, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फाइनली आ गया एक सुंदर सा शानदार सा एक नया ब्लॉग लेकर आप सभी के लिए। ये ब्लॉग होने वाला बहुत ही खास और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज हमारी जर्नी होने वाली है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। जी हाँ, आज का जो दिन है बहुत ही खास है हमारे लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। तो ये जो जर्नी हमारी बहुत खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि यार अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस जर्नी में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं 200 नहीं, करीबन ना करीबन 1000 लोग के आसपास जा रहे हैं। और मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा ओवरव्यू। तो जी ये देखिए, जो सामने जो बस है ना, ये ऐसी एक बस ये रही, और एक दो, और उसके बस के आगे भी कई सारी बसें लगी हुई हैं। तो ये बसें जा रही हैं नरोदा से अयोध्या के लिए, बट इसका जो प्रोसीजर क्या है वैसे मैं आपको बता दूँ। ये जो जितनी भी बसें हैं ना, ये जा रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी कि भाजपा के द्वारा ये सारी बसें जा रही हैं। और जो किराया जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है मात्र 200 रुपये। और 200 रुपये किराया नहीं है, 200 रुपये ये समझ लो थोड़ी सी दक्षिणा सी है, जिससे कि हम थोड़ा अपना मतलब थोड़ा दक्षिणा दे दें और उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर हो जाए। तो फिलहाल में भी देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। देखिए वैसे तो हम यहाँ पर सुबह 6 बजे से खड़े हैं यार, सुबह 4 बजे से हमने अपना नंबर लगाया था नहाने धोने का, करते तैयारी करते करते सुबह 6 बजे हम यहाँ पर आ गए। बट यार सुबह 6 बजे तक, अब सुबह के 8 बज चुके हैं फाइनली यार, अभी टाइम काफ़ी लग रहा है अभी इसमें। तो अभी हम हमारा जो उधर आई कार्ड बनने वाला है, तो अभी हम देखते हैं हमारा आई कार्ड कितनी देर में अभी तैयार होने वाला है। बट उससे पहले दिखाते हैं अभी आपके लिए कि आई कार्ड में अभी कितना टाइम लग जाएगा। देखिए सामने जो बस है ना, ये हो चुकी है रेडी, बट यार हमारा आई कार्ड अभी काफ़ी देर लग जाएगा इसमें। देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है आई कार्ड पर। तो जी ये जो बन रहे हैं ना आई कार्ड, अभी हमें नहीं मिला है, 2 घंटा हो गए पूरे करते करते, बस देखते हैं अभी कितनी देर में हमारा आई कार्ड बन। सामने होकर बस आ चुकी है, एक बस वो रही और एक ये है, 4 अभी तो फिलहाल में यहाँ पर 4 बसें हमें दिखाई दे रही हैं जो कि आने वाली हैं अभी 8 से 10 बस और, यानी कि यहाँ से जो हमारा जो पूरा जत्था निकलने वाला है करीबन ना करीबन 10 बजे के आसपास। तो यार 4-5 घंटे तो हमारे इधर ही वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट तो नहीं कहेंगे बट क्या करें यार, इन्होंने लोगों ने पहले से तैयारी नहीं करी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी हो या ना हो हम तो बैठ के जाना ही यार, करना ही। तो जी गाइस हमें फाइनली हमारा यात्री पास मिल चुका है, तो ये हमारा यात्री पास, और इस यात्री पास पहनकर हम करेंगे रामलला के दर्शन अयोध्या में। तो जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा इसका प्रोसेस बता दूँ कैसे हमें जाने का मौका मिला है, वो भी इतने कम पैसे में, कह सकते हैं फ्री में जा रहे हैं वैसे तो। और ये सब हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा। जी हाँ, उस पर मैंने आपको हुडिंग भी दिखाई थी, सरकार आपको ले जा रही है सीधा राम मंदिर। और ये यहाँ से ही नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे देश के बोल रहा हूँ मैं, हर देश से जहाँ जहाँ मेरे ख्याल से भाजपा की सरकार है ना, उन सभी जगह से बसें जा रही हैं। नगर पंचायत में आप जाकर एक बार पता कीजिए कि क्या कोई वहाँ से कोई बस जाने वाली है अयोध्या के लिए, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो।
तो ये पूरी सब अब जो सुविधा है वो आप उठा सकते हैं। नगर पंचायत जब जाकर एक बार पता कीजिए कि जी कोई यहाँ से कोई सर्विस ऐसे जाने वाली है अयोध्या के लिए, जैसे कि आप भी दर्शन कर सकें। पर मेरे को ऐसा लगता है जहाँ से जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, उस स्टेट में तो 100% होगा, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश से मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर से यहाँ से बस जा रही है ये वाली, और करीबन करीबन 8-10% टोटल। तो जी बस कुछ ही देर में निकलने वाली है यहाँ से, सारी बस होने वाली है यहाँ से रवाना, और कराते हैं आपको सुंदर से नज़ारे के, सुंदर से दर्शन वो आपको। देखिए विधायक जी खुद सभी बसों का निरीक्षण कर रहे हैं, ये विधायक जी हैं यहाँ के, तो हम मिलाते हैं विधायक जी से। तो ये हैं सर जी, ये पूरी यात्रा को कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपके पास भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो ये हमारे क्षेत्र के विधायक जी, तो सर आपका कुछ बताएंगे अपने बारे में, एक पूरी यात्रा जो है कैसा कंडक्ट हो रही है, कैसे आप? पूरी यात्रा भगवान श्री नाम के चरणों में समर्पित है, और जिसको भगवान बुलाते हैं वही जाता है। बिल्कुल, आपने देखी होगी कि हमारी संगठन की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण गया था अगले जी को, लेकिन जिसके नसीब में वो जाएगा यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बाबूजी कल्याण सिंह ने जो विवादित ढांचा गिराया था वो दिन हमारा 22 जनवरी को पूरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी विधानसभा से लगभग 1200 लोग, मैं, हमारे प्रमुख साहब, हमारे चेयरमैन और हमारे चारों मंडल अध्यक्षों के साथ पूरे 1200 लोग लेकर के हम अयोध्या श्री राम के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी चलो हमारे साथ। अरे बिल्कुल, सब चल रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। तो आपने सुना विधायक जी को, तो ये पूरी जो सर्विस है वो कंडक्ट किया जा रहा है पूरी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो जी विधायक जी ने ले लिया झंडी हाथों में और करने वाले रवाना इस पूरे जत्थे के लिए अयोध्या के लिए। देखिए जय श्री राम। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। तो मेरे पीछे ये देखिए टेंडर है, कैसा लग रहा है पीछे का पूरा व्यू, ये मस्त लग रहा है ना। तो जी हम पहुंच चुके हैं, हमारी सुबह 10 और 11 बजे के बीच में हमारी जर्नी शुरू हुई थी और रात में हम 11 बजे पहुंच चुके हैं अयोध्या। अयोध्या से वैसे तो हम अयोध्या में ही हैं, बट मंदिर से अभी हम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा जो बस चलाई जा रही है ना, कि यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के। तो मैंने अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, उधर अनाउंसमेंट हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो क्या व्यवस्था है, कैसे रहने का सिस्टम है, क्या खाने का सिस्टम है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में, ठीक है? तो बस थोड़ी देर के लिए बने ही रहिए। बट अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना, बाकी सुंदर सुंदर नज़ारे ना मैं आपको कल सुबह पक्का दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेंट की ओर, यहाँ पर हो रहा है हमारा लंगर शुरू। तो यार फाइनली यहाँ पर ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो सभी में यहाँ पर कीचड़ हो रखी है, बारिश अच्छी खासी हुई है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर गिर भी जाओ तो अच्छी तरह से क्या होगा, नहा लेना है, और क्या करोगे यार ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने का। तो चलते हैं अभी, हम दिखाते हैं अभी आपको लंगर और आगे बढ़िया से दर्शन कराएंगे लंगर के भी। तो भाई ये है टेंट, देखो वैसे टेंट काफ़ी बड़े बड़े हैं, और बाकी देखो यहाँ पर लग चुकी है लाइन पूरी, और ये लाइन पता किसकी है, ये लाइन है लंगर की। तो ठीक है यार, देखो यहाँ से शुरू हो चुकी है पूरी लाइन। जय जय श्री राम। तो जी आगे तक काफ़ी लंबी लाइन लगाई हुई है इधर। तो गाइस फाइनली हमने अपना ले चुके हैं अपना भोजन, और भोजन में दिखाते हैं वैसे क्या है फिलहाल में। तो जी अभी तो फिलहाल में हमारे लिए ये एकदम प्योर, एकदम बेज और पौष्टिक खाना हमारे लिए, और साथ में हमारे दोस्त उधर खाने में लगे पड़े हैं। इस भाई जय श्री राम। तो जी अभी खाते हैं और भरते हैं अपना। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं हमारा जो तंबू है, जो टेंट है ना, उसको दिखाते हैं कैसी व्यवस्था है यहाँ पर पूरी। पहले तो मैं इसको सीधा कर लूँ यार, एक तो हवा की वजह से ना बहुत उड़ता जा रहा है ये। तो अब दिखाते हैं आपको और टेंट चलते हैं इसमें टेंट के अंदर। तो भाई ये देखो अमेजिंग यार, कितना बड़ा है देखो, दूर दूर तक भाई बेड ही बेड, बेड ही बेड, बेड ही बेड। और ये ऐसी सुविधा नहीं है, ये सारा कुछ फ्री है सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं यार इसमें कितने होंगे, आप अनुमान लगाइए खुद ही अपने, देखिए कहीं ना कहीं इसमें 400 तो मान लो यार, 400 बंदे यानी 400 बेड की यहाँ पर व्यवस्था है पूरी। तो भाई ऐसे यहाँ पर एक नहीं, करीबन ना करीबन 60-70 तंबू हैं, कैन यू बिलीव इट, 60-70 तंबू
और इनों के अंदर हर तंबू के अंदर 400 बंदे की कैपेसिटी होना अमेजिंग यार, और सभी के सभी तंबू भरे हुए हैं। तो खैर बाकी हम सुबह को आपको सुंदर सुंदर से नज़ारे दिखाते रहेंगे और मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय जय सियाराम। देखिए पूरी तरह से इसमें बस भर चुकी है पूरी, भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक बस है जो कि हमें सर्विस दे रही है। कहाँ से? जय उधर है टेंट और यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं कहाँ पर? अयोध्या यानी कि सरयू घाट। पहले हम जाएंगे सरयू घाट। एक साल के अंदर अंदर देखो कितना चेंज हो गया पूरे अयोध्या में। ये देखिए क्या खूबसूरती से पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है। देखिए इतने बड़े बड़े स्तंभ लगाए हुए हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं और ये देखिए सुंदर से नज़ारे अयोध्या के। एक साल के अंदर इतना चेंज, इतना बदलाव, कैन यू बिलीव इट। ये देखो नज़ारे, ये है पूरे अयोध्या के। पूरी तरह से भैया अयोध्या चेंज हो गया। सच में कह रहा हूँ, हर जगह से पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं सच में यार। क्योंकि जिस टेंट में हम रहे थे ना और जिस बस में आए थे, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई पश्चिम यानी कि त्रिपुरा से है, साउथ इंडिया से है, वेस्ट इंडिया से है, मतलब वेस्ट इंडिया मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ से है, काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं। बाकी अभी आगे हम जो आपको नज़ारे दिखाएंगे, देखिए पर इधर अघोरी बाबा। तो ऐसे अघोरी बाबा आपको यहाँ पर काफी सारे देखने को मिलेंगे। जय जय सियाराम। तो जी हम भी नहा लिए, देख रहे हो ना वैसे कैसा लग रहा हूँ, वैसे मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तो इसी बात पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। बट हम सरयू नदी में नहा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से कहाँ पर दर्शन करने। तो मैं आपको एक रूल बता दूँ, एक नियम बता दूँ, अगर आप भी आ रहे हैं अयोध्या। बट उससे पहले मैं थोड़ा सरयू नदी दिखा दूं आपको। तो ये देखिए ये पूरी सरयू नदी, क्या अमेजिंग है यार, मजे आ गए सच में नहाने में तो। और उधर देखो सामने, देखो वहाँ पर पता नहीं कुछ काम चल रहा है, इमरजेंसी बोट है वो और काफी फैसिलिटी है उन बोटों में। पर अब मैं आपको बता दूं, आप आ रहे हैं अयोध्या में तो सबसे पहले कहाँ पर आए? सबसे पहले आए आप सरयू नदी। सरयू नदी में नहाएं, उसके बाद में दर्शन करने जाएं सीधे हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी के बाद सीधा दर्शन कीजिए रामलला के। तो ये एक नियम है जो जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं ना, तो इस नियम के सामने जो आप देख रहे हैं बोट, भाई साहब पूरी की पूरी जितनी भी फैसिलिटी होती है ना, उन वो सारी फैसिलिटी आपको इन बोटों में देखने को मिलेंगे। देखिए कितनी एडवांस बोट हैं सबकी। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर देवी की आरती होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े यहाँ से नज़ारे। तो गाइस ये देखिए पूरा दोबारा से घाट पर ही है और ये वो वाला घाट है, देखो सामने दिख रहे हैं वो। ये देखिए फुटिंग जो लग रही है यहाँ पर होती है डेली शाम की आरती। हम फाइनली आ चुके हैं दोबारा सरयू नदी में नहाकर, और ये है कौन सा चौराहा है, यह लता मंगेशकर चौराहा है। तो ये देखिए सामने देख रहे हैं आप वीणा वादकी, ये है वीणा वादकी। तो हम यहाँ से जा रहे हैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और आपको भीड़ दिखाऊँ यहाँ पर, भाई साहब अमेजिंग भीड़ है सच में। ये देखिए कुछ लोग हमारे इधर जा रहे हैं, पूरे चौराहे पर भीड़ भीड़। यहाँ पर आपको बस तो देखने को मिलेगी नहीं, खाली ई रिक्शा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से हनुमानगढ़ी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं दर्शन करने सीधा हनुमान जी के। अब यहाँ से देखते हैं हम या तो इसका यानी ई रिक्शा लेंगे या फिर तो यहाँ से देखते हैं हम यहाँ से क्या ई रिक्शा लेते हैं या कुछ भी, और चलते हैं फिर आगे की ओर। भीड़ तो देख रहे हो ना कितने दबा के यहाँ पर भीड़ है, ऐसा तो भीड़ अच्छी है। कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन डेली आते हैं, डेली बोलो। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं, ये देखिए पूरा रास्ता और यहाँ पे ये पूरा महल। यानी कि जब मैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब आया था ना, सच में कह रहा हूँ यहाँ पे इतना काम चल रहा था, इतना काम चल रहा था। बट आज के टाइम अगर आप देखोगे भाई सब कुछ रेडी है यहाँ पर। और वैसे हम फिलहाल में आ चुके हैं यहाँ पर तुलसी घाट, यहाँ पर गोस्वामी तुलसी जी ने समाधि ली है ना, तो वो वाला घाट आ चुका है। ये देखिए सामने जो है ना ये टेंट जो लग रहा है, जय जय सियाराम। तो
ये देखिए, सच में कह रहा हूँ, एकदम अमेजिंग कर दी। जय सिया राम, राम नाम जपता। आपको दिखाना चाह रहा था ना, वो स्वामी तुलसीदास जी का जो घाट है वो देखिए सामने, ये है वो घाट, वो स्वामी तुलसीदास। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं और ये सामने देखिए, सामने हनुमानगढ़ी, और यहाँ से हम करेंगे अब एंट्री अपनी। बट उससे पहले हमारे पास जो बैग थे वो हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं इस दुकान पर। ये देखिए गोवर्धन आभूषण कला केंद्र, इस दुकान पर हमने अपने बैग, ये अपना दोस्त है, अपने बैग और जो भी सामान है हमने यहाँ पे जूते वूते रख दिए हैं क्योंकि काफी वजन था यार उसमें, इसलिए हमने यहाँ जमा कर दिया और यहाँ से ले रहे हैं हम प्रसाद। हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी में, एंटर हो चुके हैं पूरी तरह से, और ये देखिए सुंदर से नज़ारे पूरे हनुमानगढ़ी के, क्या मस्त एकदम यार। पिंक सिटी जो देखी है ना आपने राजस्थान में, जो पिंक सिटी है सेम टू सेम वही है यार, क्या मस्त वाली फीलिंग आ रही है इधर। इधर देखो चारों तरफ भक्तों का लंबा चौड़ा, काफी बहुत बढ़िया प्रेम है। और देखो भीड़ यार, भीड़ को दिखा रहा हूँ भीड़ का ही तो प्रेम है और क्या है यार। बाकी देखो है ना एकदम, और वो जो सामने आप देख रहे हैं ना ये पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर अभी इसके बारे में बताऊंगा। बट जो हनुमान जी का मंदिर है अभी वो देखिए, लाल वाला जो मंदिर देख रहे हो ना वही है हनुमान जी का मंदिर। उसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको आगे, बट थोड़ा वेट करिए, उससे पहले थोड़ी भीड़ देखो यहाँ पर यार, क्या मस्त है। है ना एकदम ऐसे दर्शन कराऊंगा तुम्हें बढ़िया बढ़िया आगे चल के, यही तो कराने यार, मस्त वाले फीलिंग आ रही है ना। तो जय जय कितनी भीड़ है भाई, सच में कह रहा हूँ, वैसे तो हम लाइन में लग चुके हैं यहाँ पर पूरी भीड़ में, बट अमेजिंग भीड़ है। पर कोई आ जाएगा कि वनडे हमारा भाई नंबर, और सच में यार काफ़ी दिन बाद दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के, तो अभी कराएंगे आगे आपको हनुमान जी के दर्शन। भाई अभी जो है ना देखो इतने बीच में भी यहाँ पर पूरे दर्शन हो रहे हैं और काफ़ी एंट्री शुरू कर दी है, बट ये देखिए पीछे पीछे का एरिया पूरा खाली है क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ हो जाएगी ना, इसलिए अपने हिसाब से आगे के लिए मतलब पूजा के लिए यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। तो अभी इतने सारे लोग हैं, मतलब अभी काफ़ी तो लोग जा चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, जो कि जैसे गेट खुल जाएगा तो दोबारा हो जाएगा पूरा। बट पीछे देख रहे हैं खाली है ये, और थोड़ी देर में हमारा हो जाएगा। गाइस सुन रहे हो ना क्या मस्त भजन गाए जा रहे हैं हनुमान जी के लिए, देखिए कितनी सारी भीड़ आ चुकी है ना बराबर, देखो भाई सब काफ़ी दूर तक भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ भाई, देखो है नहीं है भीड़ ही भीड़ चारों तरफ। तो गाइस फाइनली हमने कर ली अंदर मंदिर की पूजा, ठीक है, बट सच में कह रहा हूँ बहुत यहाँ पर यार भीड़ है। ये देखो भीड़, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा प्राइवेसी एरिया में, थोड़ा प्राइवेट जो एरिया है वहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर वैसे किसी को अनुमति नहीं होती, बट मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, दर्शन करा रहा हूँ। दर्शन कराना सच में कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है क्योंकि यार भीड़ बहुत है यहाँ पर, सच में कह रहा हूँ बहुत भीड़ है। बट ये देखिए आप मंदिर को, अमेजिंग यार, जय जय सिया राम। तो मैम से परमिशन ले लिया और सर से परमिशन, थैंक यू सर। तो अब ये देखिए यहाँ से ये पूरा मंदिर, हमने यहाँ से दर्शन करके आए हैं इधर से, और दर्शन करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूंगा, यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, देखो ये जो चीज़ है ना यहाँ पर एक हॉल टाइप में है, जो कि जब आप आए ना यहाँ से तो इसमें हाथ डालकर, इसमें हाथ डालकर और जल निकालें और जल अपने ऊपर डालें और थोड़ा सा पी भी लें जल, ये बहुत पवित्र जल है सच में कह रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आप पूजा भी कर सकते हैं, और मैं थोड़ा आपको यहाँ पर राउंड लेकर दिखा रहा हूँ। तो भाई ये है पूरा यहाँ का मजे, अच्छे वाले दर्शन हनुमान जी यहाँ पर भी, यहाँ पर आप दर्शन कीजिए अच्छे वाले। और थोड़ा मैं इधर आपको चलकर लेकर चलता हूँ, ये देखिए दीवारों पर जो लिखा हुआ है ना, ये कलाकृति जो है इस पर जो लिखी गई है, सच में कह रहा हूँ इस पर मैं आपको बता दूँ रियल में क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे ज़्यादा यहाँ पर इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे को टोटली अपोजिट डायरेक्शन हो रही है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैं ऊपर चढ़ता हूँ। हाँ तो ये देखिए अब ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर पूरी की पूरी भाई एक तो रामायण है, ठीक है ना, रामायण का मतलब कुछ अंश यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर हनुमान चालीसा भी लिखी हुई है। तो यार देखो यहाँ पर वैसे पूरा प्राइवेसी एरिया है, बट यहाँ सब हो चुका है और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊँगा तो इतना मैं पीछे जा नहीं सकता ज़्यादा। तो यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, देखो एग्जिट के लिए नया डोर बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से हम उसी टाइम पर एग्जिट करने वाले हैं। जय सिया राम। तो गाइस फाइनली वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं हनुमानगढ़ी से, अब हम जा रहे हैं
जन्मभूमि की ओर। तो यार पहले जब मैंने जन्मभूमि दिखाई थी, आज की जन्मभूमि सच में करूँ टोटली बदल गई भैया, टोटली बदल गई। तो ये देखो आज की जन्मभूमि, जन्मभूमि आपका स्वागत है जी। और ये भाई बताएंगे अभी उससे पहले लला के दर्शन करके राम की आंखों में डूब जाएंगे और आनंद में दृश्यों का लाभ उठाएंगे। जय जय सियाराम। तो भाई ये देखो पूरा का पूरा व्यू जो है ना वो चेंज हो गया, और अभी भी है ना डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है, काम चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। और ये देखिए पूरे भैया चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़। ये देखो कैसे लोग भाग रहे हैं, जिंदगी के जन्नत के मजे लेने हैं तो आ जाओ यार अयोध्या। इससे बढ़िया जन्नत और क्या, आप कहाँ पहाड़ों की तरफ देख रहे हो, आओ तो सही यार एक बार अयोध्या की तरफ, ऐसे जन्नत वाली फील कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको अयोध्या ही मिलेगी। ये देखो यहाँ से एग्जिट करके लोग आ रहे हैं और हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी आपको दिखाएंगे सुंदर से नज़ारे। और देखो होर्डिंग लग रही है, होर्डिंग लगी हुई है चारों तरफ, ये देखिए राम जी की, जय जय सियाराम। वैसे आप जो मंदिर देख रहे हो ना, ये मंदिर किसी काम का मतलब काम का तो है, बट हमारा जो मेन मंदिर है ना जन्मभूमि वाला वो है अंदर। तो अंदर अभी चल रहे हैं यहाँ से, बट सही लग तो सही रहा हूँ ना मैं, मेरे बाल ना बिखर जाते हैं ज़्यादातर तो, बट खैर कोई नहीं वो तो होता रहता है। चलते हैं यहाँ से, ये देखिए तो ये है वो जगह, यहाँ से आपको एंट्री करनी है अंदर आने के लिए, ठीक है। और आने के बाद में ये आप सामने देख रहे हैं लॉकर, यहाँ पर आपको जमा करना होगा आपका जो भी सामान है, सामान इन द सेंस जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल हो गया, घड़ी होगी, पैसे को छोड़ के बाकी जितना भी आपका बैग हो गया सब आपको जमा करना होगा यहाँ पर। और यहाँ के नियम है कड़े नियम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ से मंदिर बनना है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी फोन वोन ले जाना अलाउ नहीं है। हाँ मैं फाइनली अंदर से दर्शन करके आ चुका हूँ, और आपको भी यहाँ के जो भी नियम है वो पालन करने पड़ेंगे, बट सच में करूँ अंदर दर्शन आए हाय जन्नत आ गए, मजे आ गए सच में, ऐसे दर्शन हुए बहुत ही प्यारे वाले दर्शन यहाँ से करके बस आ गए हैं पूरी तरह से, अच्छा लगा था यार। पर देखिए ये है सरयू घाट, और फाइनली आ चुका हूँ आपको सरयू घाट दिखाने के लिए। अभी देखिए दोपहर का टाइम हो रखा है, 1 बज रहे हैं फिलहाल में ये, और भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। और देखो पानी पता कितना गहरा है, मेरे ख्याल से वो सामने देखो बंदा खड़ा है उधर, उसके घुटनों तक पानी आ रहा है। तो भाई पानी यहाँ पर मैक्सिमम 2 से 3 फीट की दूरी पर ही है, मतलब ऊंचाई तक है उसका पानी, गहराई जो है। बाकी है लग रहा है इतने सारे लोग हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। पर दिक्कत अब ये आएगी कि दिन में इतना अच्छा नहीं लगेगा, जब रात होगी ना और रात में लाइटिंग शो होगी, हाय हाय भाई जन्नत आएगी, कब बोलोगे तुम पता क्या, जय जय सियाराम। तो गाइस यही है, मस्त है ना व्यू। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको मिलाता हूँ एक गोल्डन मैन से, गोल्डन मैन और एक वन मैन आर्मी भी है वो, तो स्टैंडर्ड है। तो ये भाई ये देखना, प्लीज भाई के पास गोप्रो, पूरा गोल्डन मैन एंड वन मैन आर्मी दोनों ही है, बढ़िया यार। और चैनल भी है, अच्छा भाई का यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका यूट्यूब चैनल, आर के भाई गोंडा, आर के भाई। तो गाइस कैसा लगा आपको ये पूरा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अब हम यहाँ कर रहे हैं अपने ब्लॉग की टोटली पूरी तरह से समाप्ति, और मिलेंगे आपको फिर एक नई जगह, एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे बहुत जल्द। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए। फिलहाल में अभी जो बैकग्राउंड देख रहे हो ना मेरे पीछे, जो बैकग्राउंड है ये है पेट्रोल पम्प का, हालाँकि हम वहाँ से आ गए अयोध्या से, यार सच में कहूँ तो थोड़ा रीज़न हो गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एंडिंग नहीं कर पाया, तो अब मैं यहाँ पर एंडिंग करने वाला हूँ, एंडिंग होने वाली है वैसे। तो ये अच्छा अगर ब्लॉग लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए बनाते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तो डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, तो प्लीज़ बोले एक बार यार, जय जय सियाराम।